लेकिन इस बीच ये एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ब्रिटेन के अंदर रेल सेवा जो है वो ठप कर दी गई, ठप हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने की वजह से ये सब हो रहा है। और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, ये दरअसल ब्रिटेन की रेल सेवा वाली वेबसाइट है, नेशनल रेल आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये नेशनल रेल आप देखिए, ये देखिए, ये दिखाइए नेशनल रेल, ये नीले रंग में जो लिखा हुआ है ये है नेशनल रेल। ये ब्रिटेन के अंदर यहां पर देखिए किस तरीके से नेटवर्क वाइड आईटी इश्यूज अफेक्टिंग अ नंबर ऑफ ट्रेन ऑपरेशन सर्विसेज दिस मॉर्निंग, ये साफ कर दिया गया है। तो ये ब्रिटेन के अंदर किस तरीके से रेल सेवा पर असर पड़ रहा है उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। और साथ ही अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर भी पूरी तरीके से लेन देन फिलहाल ठप नजर आ रहा है। और अब वो महत्वपूर्ण सवाल कि वो विमान जिन्होंने उड़ान नहीं भरी उनको तो फिलहाल ग्राउंडेड कर दिया गया है, हॉल्ट कर दिया गया है, उन्हें तो अभी उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। लेकिन विमान जो इस वक्त हवा में है ध्रुव, उसको लेकर मुझे बताइए, क्योंकि इस समय बहुत लोगों को चिंता हो रही होगी उन यात्रियों को लेकर जो विमान हवा में अभी हैं, उनका क्या, उन पर क्या असर पड़ेगा ये सर्वर ठप होने की वजह से। ध्रुव, हेलो जी, जी ध्रुव आपकी आवाज आ रही है जी। प्लेन की लैंडिंग में बहुत सारी चीजें यूज होती है, जैसे ऑटो पायलट एंड फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, FMS, मैनुअल कंट्रोल रहता है, कम्युनिकेशन रहता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ATC के साथ, इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम भी प्लेन में लगे होते हैं, और उसके अलावा उनकी और भी ऐसी सुविधाएं होती है जो सिर्फ कंप्यूटर के सिवाय भी लैंडिंग में मदद करती है। तो प्लेन तो बहुत अच्छे से लैंड हो जाएगा, प्लेन लैंडिंग होने में दिक्कत नहीं आएगी, बट इसका जो पूरा डेटा है जो सर्वर पर स्टोर होना है, उसका जो सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए जो विंडोज का सिस्टम लगा है, अगर वही ठप पड़ा है तो ये कंटिन्यूटी में प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर ना करे नारायण, मतलब कुछ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको ब्लैक बॉक्स का टेस्टिंग करना पड़ता है प्लेन का लैंडिंग के टाइम पे, तो उसका डेटा निकाल के विंडोज के जो सिस्टम है उसमें से डेटा फेच करने के लिए हमको विंडोज का सिस्टम ही एक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर विंडोज के सिस्टम बंद रहेगी तो प्लेन तो लैंड हो जाएगा, बट टेक्निकली प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए, प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए विंडोज के सिस्टम को ऑन होना जरूरी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमें ध्रुव पंडित, किस तरीके से फिलहाल लैंडिंग पर विमानों की जो हवा में है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी करती हुई दुनिया भर की जो यातायात है उस पर नजर इस रूप में आ रहा है कि जो एयर फ्लाइट्स हैं जिन्होंने अभी उड़ान नहीं भरी थी उनको फिलहाल ग्राउंड कर लिया गया है। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ जर्मनी, जी ये आप बर्लिन की रेल सेवा को लेकर यहां पर अपडेट देख रहे हैं, जहां पर कंटिन्यूसली ये लाल पट्टी आप देख रहे हैं, लगातार ये चलाई जा रही है कि ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज देयर आर डिलेज। तो बर्लिन के अंदर भी, इससे पहले मैंने आपको इंग्लैंड दिखाया था, और अब बर्लिन में भी देखिए किस तरीके से जो रेल सेवा है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक कंपनी नाम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ये तकनीकी गड़बड़ी और उसी का ये असर कि दुनिया भर में एक तरीके से आप कह सकते हैं हड़कंप समझ गया, खासतौर से दुनिया भर में जो आवाजाही है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये आवाजाही आसमान से लेकर सड़क तक, मैं बार बार इसका जिक्र आपसे कर रही हूं, हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से जो हवाई यातायात है उस पर असर पड़ा है, हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से जो रेल सेवा है दुनिया भर में उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो दुनिया के बड़े मेट्रो शहर है वहां पर तो जो मेट्रो रेल सेवा है उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आजकल सब कुछ इस जमाने में डिजिटल है, सब कुछ कंप्यूटर पर, सब कुछ कीबोर्ड के जरिए फिंगर टिप्स पर है, और वही यहां पर हॉल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज सर्टेनली वेरी वेरी डिसरप्टिव एंड डिस्टर्बिंग इवेंट इन व्हाट वी आर सीइंग टुडे अराउंड माइक्रोसॉफ्ट। Yes, it is. There is no doubt that whether you're a patient in a hospital or you're a, you're working a small business or you are a passenger on an airline that depends on these platforms, today will be a day where you will see a lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the days coming days.
But in meanwhile, I will appeal as an individual as that we should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services, they are tweeting continuously. What do you think, how do you think that the Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot. पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से साफ किया जा रहा है कि किसी को भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तानियों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिक्कत है वो माइक्रोसॉफ्ट में आई है और ऐसे में मैं आपको कुछ और अपडेट दिखाती हूँ। आपको एक नक्शा मैं दिखाने जा रही हूँ, ये मैप मैं आपको दिखा रही हूँ और ये मैप दिखाना इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ ये कुछ बड़े शहर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन बड़े शहरों में ये देख रहे हैं आप, ये मुंबई देख रहे हैं आप और यहाँ मुंबई की एयर स्पेस में ये जो तस्वीर नजर आएगी, जरा नजदीक से दिखाइए, ये विमान देखिए किस तरीके से झुंड में यहां पर विमान नजर आ रहे हैं। ये विमान हवा में नहीं है, ये वो विमान है जिन्होंने या तो यहां पर लैंड किया है या फिर जिन्हें उड़ान भरनी थी लेकिन उनको उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया है। आपने मुंबई तो देख लिया, अब इसी तरीके से मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूं। ये देखिए, ये बेंगलुरु, ये वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूं जहां पर एयर ट्रैफिक जो है काफी व्यस्ततम ये एयरपोर्ट्स गिने जाते हैं और यहां पर खूब आवाजाही विमानों की रहती है। ये आप बेंगलुरु जहां पर केंपागौड़ा एयरपोर्ट है उसी की तस्वीर, ये देखिए आप किस तरीके से यहां पर विमान जो हैं वो एक जगह एक झुंड आपको विमानों का यहां पर नजर आ रहा है। इसकी वजह यही है कि यहां से जिन विमानों को उड़ान भरनी थी उन्हें इजाजत नहीं दी गई है, यहीं पर उनको होल्ड किया गया है। तो इसी तरीके से और यहां ऊपर की तरफ ये दिल्ली आप देख रहे हैं, दिल्ली में देखिए किस तरीके से विमान जो है वो जस के तस यहां दिल्ली में ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, एक झुंड में यहां पर भी विमान खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है और अब वो दुनिया भर का जो फ्लाइट रडार है वो आपके सामने है, कुछ फ्लाइट्स जो हवा में उड़ती हुई नजर आ रही हैं और इनको लेकर क्योंकि हमारे मन में भी सवाल था और हम दर्शकों का डर भी दूर करना चाहते थे, जो एक्सपर्ट हमारे साथ ध्रुव पंडित अभी मौजूद हैं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि साहब वो विमान जो इस वक्त हवा में हैं उन्हें वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सुरक्षित लैंडिंग कर सकते हैं। विमानों में पूरे इंतजाम होते हैं, मैनुअल सिस्टम्स होते हैं जिसके जरिए वो आराम से लैंड कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो हो रही है। लेकिन इस दिक्कत को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पूर्व आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे यूजर्स उनके दे 24/7 उनके दिन की काम के लिए वो डिपेंड करते हैं, इसका ऐसे आउटेज मैंने कभी नहीं देखा। और मैं मानता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट मैं मुझे पूरा यकीन है कि सरकार हमारे भारत सरकार उनके साथ संपर्क में हैं और माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसको वापस ऑनलाइन लेकर आएगा। तो भारत सरकार जो है वो संपर्क में है, दिक्कत माइक्रोसॉफ्ट में आई है और यकीनन किसी ने भी इस तरीके की कोई पहले घटना नहीं देखी है। ये एक ऐसी घटना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट किसी एक आध मुल्क में इस्तेमाल होता हो या दुनिया के किसी एक हिस्से में इस्तेमाल होता है, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एयरलाइन से लेकर बैंकिंग से लेकर हर तरीके की सेवा में माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।